बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड रोल्स की रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हमारा फर्स्ट स्टेप है ब्रेड रोल्स, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें ली हैं, आधा कप मैंने उबला हुआ चिकन ली, इसको मैंने छोटा छोटा श्रेड कर लिया है। आधी कटी हुई छोटी छोटी गाजर, एक शिमला मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है, आधी गोभी को छोटा छोटा काट लिया, आधा कप मैंने मायोनीज इस्तेमाल किया है और एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। अगर नहीं है तो थोड़े से पाउडर में पानी मिक्स करके पेस्ट बना लें। काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च, ऑप्शनल है सफ़ेद मिर्च, नमक, हसबा जायका और एक खाने का चम्मच दूध। तो हम पहले अपनी सब्जियों को सौते कर लेंगे। तो उसके लिए पहले पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, फिर इसको हम अब सौते कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसको आपने सौते कर लेना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। जब आपको देख लगे आपकी जो सब्जी है वो सॉफ्ट हो गई है, मैंने कर लिया था फिर कफ़ा देखें। फिर इसके बाद इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च है तो आप नमक को थोड़ा सा कम डालिएगा। सफ़ेद मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और मैंने नमक ऐड कर दिया और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये ब्रेड रोल्स बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे 1 से 2 दिन में इस्तेमाल करें, इसे आप ज़्यादा फ्रीज़ नहीं कर सकते। इसे मैंने कर लिया मिक्स और अब मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद इसके ऊपर से हम चिकन डाल देंगे। फ्लेम में, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी कुक है तो हमें इसको पकाने की और ज़रूरत नहीं, बस हमने फ्लेम बंद कर दी। फिर मैंने चिकन डाला, फिर इसको मिक्स करके फिर दोबारा हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। देखिए बंद कर दी थी मैंने फ्लेम, इसको मिक्स करके अब हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। अब बाउल में मैंने डाल लिया, अब इसमें हम डालेंगे अपनी मायोनीज जो है आधा कप, किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसे डाल देंगे। मायोनीज से क्रीमी फ्लेवर आएगा। ये डाला मैंने 1 खाने का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करने और देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, इतनी इजी। मिक्स किया इसको मैंने, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम काट लेंगे और इसके कॉर्नर्स को हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम अपने ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ताकि इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएँ और फिर उसको हम यूज़ करेंगे। यही मैंने काट लिया। अगर आप छोटे हैं तो ध्यान से काटिएगा छुरी को इस्तेमाल करते वक्त। एक काट ली मैंने और इस ब्रेड क्रम्स को हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाए। यह ब्रेड क्रम्स मैंने डाल दिए, अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का वही पीस लिया, इसको डाला है मैंने एक पानी में डिप के, एक बड़े बाउल में पानी को डाल दिया था और हमने कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं इससे हम निकाल लें। निकालने के बाद इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच फिलिंग हमने रखनी है, फिर इसको दोनों तरफ से उठाकर सील कर देना। ये सील सिर्फ पानी की मदद से होगा, पानी आपने बहुत कम भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, इतना लगाएं कि पूरी ब्रेड इसमें सोक हो जाए। अगर आपको पानी कम लगे तो आप हाथ से इसको गीला करके बंद कर लें, अपने घबराना बिल्कुल भी नहीं अगर आपकी शेप परफेक्ट ना बने, क्योंकि हमने इसको इसके बाद अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाने हैं तो सारी आपकी गलतियाँ रिकवर हो जाएंगी। तो ये किसी से भी प्रॉपर अच्छा नहीं बनता, बस आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। देखिए ऐसा ही इसको हम अंडा लगा के फ्राई करेंगे। आप इसे, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा गीली लगे तो आप इसे 5 से 10 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। अब यहाँ पे ये अंडे वाला काम मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने अपनी मम्मा की मदद ली। अगर आप बड़े हैं तो उम्मीद है ये खुद कर सकते हैं। खैर अब मेरी मम्मा ने इस पर अंडे लगाया और फिर इसको अब हम ब्रेड क्रम से कवर करेंगे अच्छे तरीके से। ब्रेड क्रम्स मैंने उसी ब्रेड के किनारों से बनाए हैं, होममेड हैं ब्रेड क्रम्स, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो कोई भी बाहर ना जाए तो बेहतर है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे।
मैंने रख लिया, अब बाकी तैयार करेंगे। मेरा हाथ भी बने, और इसे अब हम देखिए कितनी इजी और कितनी झटपट से बनने वाले हैं। अब इसे मैंने पैन में डाला है ऑयल, उसको मैंने गर्म किया मीडियम फ्लेम पे, और फिर बहुत ही ध्यान से हमने अपने ब्रेड रोल्स को इसके ऊपर रख देना है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, हेल्दी भी बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ियाँ भी ऐड की हैं। डाल दिए मैंने सारे ब्रेड रोल्स अपने पैन में, इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या इसका प्यारा सा कलर आ जाए। रेडी हो गए, देखें कितने मज़े के, कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे हैं। तब तो मैंने रेस्ट नहीं किया था, मगर मैंने तब मेरा रोज़ा था, इफ्तारी में मैंने खाए, ये बहुत ही अच्छे थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।